कंपनी अलग अलग जानवरों का डीएनए को ह्यूमन डीएनए के साथ मर्ज करवाने की कोशिश कर रही है। अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो फिर किसी भी इंसान को हेयर फॉल की प्रॉब्लम का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। वो इस एक्सपेरिमेंट का ट्रायल अपने ही कंपनी के एक इंटर्न पे करते थे। वो हेयर की ग्रोथ को तो बढ़ा देते थे पर उसके साइड इफेक्ट्स को वो अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए थे। ईस्टमैन अपने इन्वेस्टर को भरोसा दिलाता है कि वो बहुत जल्द अपने फॉर्मूले को सही कर लेंगे और अगर एक बार ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो वो सोच भी नहीं सकते उनकी कंपनी कितनी प्रॉफिट बनाएगी। इधर टोनी और उसके दोस्तों को एडम को परेशान करने के लिए उन्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है, पर स्कूल के प्रिंसिपल एडम को भी वार्न करते हैं कि वो उन सबसे दूर ही रहे। एडम जब अपने घर वापस जा रहा होता है तब टोनी अपने दोस्तों के साथ आता है और एडम को परेशान करने लगता है। एडम किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। वो जल्दी से अपने घर पहुंचकर अंदर से दरवाजा लॉक कर लेता है। टोनी उसके घर का कांच तोड़कर भाग जाता है।